हे दोस्तों, मैं हूं कदर सुंदर तीसरे लेके आज को आज वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि भाई पिंटरेस्ट बेस्ट है, इंस्टाग्राम बेस्ट है, गूगल ऐड पहले ट्राई करिए या बिंग का मतलब बजट कितने रखिए। तो बहुत सारे आपके कॉमन क्वेश्चन है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके खुद के क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट रखी थी कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, क्योंकि पहले क्या था कि मैं सबको पर्सनली रिप्लाई करता था इंस्टाग्राम पे, अभी पॉसिबल है नहीं, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो चुकी है और दूसरा मेरा काम भी बढ़ चुका है और मैं अकेला बंदा काम करता हूँ। तो बी ऑनेस्ट, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर किए, तो इस वीडियो में फुल ऑफ वैल्यू दी है। आपके बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन और क्वेश्चन होंगे तो इस वीडियो में कवर होने वाले। तो आप नए हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो स्टार्ट करते, ऐसे ही आपको वीडियो इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मंथली एक वीडियो लाऊंगा ऐसे क्यूने वाले जो आपके कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसके एक वीडियो में आंसर देने का, तो इस बार मैंने ट्राई किया है। कैसा वीडियो लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है और पेड एड्स के लिए कितना बजट होना चाहिए। तो इसमें भाई ने दो क्वेश्चन पूछ लिए। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, भाई जो मैं कई बार इसका आंसर दे चुका हूँ कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काम कर रहे हो तो कभी एक प्लेटफॉर्म पे कभी काम मत करो। ठीक है, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करो, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। पेड एड्स में क्या होता है कि आप जितना बजट डालोगे और कौन सी कंट्री को टारगेट करना है, कितने लोग को दिखाना है, वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक में हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपको जो भी इजी प्लेटफॉर्म लगता है सबसे पहले वो स्टार्ट कीजिए और उसके साथ धीरे धीरे जब वो ग्रो होना स्टार्ट हो तो दूसरे भी प्लेटफॉर्म पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऑलवेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर काम कीजिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। कोई पर्टिकुलर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट मेरे जो फेवरेट है वही है इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और फेसबुक ग्रुप, सबसे बेस्ट ट्रैफिक। सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी मंथली एड कॉस्ट कितनी आती है। तो वो डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी विनिंग प्रोडक्ट मिली है और उसकी सीपीसी कितनी है और कंपटीशन कितनी है। नॉर्मली देखने जाओ तो मेरा बजट मतलब पर मंथ स्पेंड होता है 2 लाख से 3 लाख एवरेज है। ठीक है, और जब मुझे कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है तो मेरा बजट 5 लाख तक भी चला जाता है। तो उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट 2 लाख से 3 लाख एवरेज मंथ है मेरा। ठीक है, वो चलता रहता है और विनिंग प्रोडक्ट के लिए थोड़ा बजट बच जाता है 5 लाख तक, तो आराम से निकल जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच इन्वेस्ट इन बिंग एड्स फॉर प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट। भाई इसका भी कोई सही आंसर है नहीं कि कितना बजट इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिंग एड्स के लिए, कोई फिक्स आंसर नहीं है। बट जो भी आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन किया और उस प्रोडक्ट की एवरेज सेल मुझे $100 आ रही है, तो उस प्रोडक्ट की मैं टेस्टिंग के लिए बजट डालूंगा मिनिमम $100। ऐसा फिक्स नहीं है कि $100 ही डालूंगा, जो शायद मैंने $100 इन्वेस्ट किया और उसके बाद 4 से 5 ऑर्डर फॉर्म आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो मैं और पैसे इन्वेस्ट करूंगा लाइक $200 तक, और $200 इन्वेस्ट करने के बाद जो मेरी सेल नहीं आती तो उस प्रोडक्ट को मैं क्विट कर दूंगा। ठीक है, एक सिंपल मेरा फॉर्मूला है, जितनी प्रोडक्ट की प्राइस है उतना तो मैं मिनिमम इन्वेस्ट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ जो प्रोडक्ट में पोटेंशियल है तो मैं उससे मतलब डबल इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ लाइक $200 तक, और फिर देखता हूँ कि इस प्रोडक्ट में मतलब सेल नहीं आ रही है तो कोई ऑप्शन नहीं है, उस प्रोडक्ट को क्विट करो और नई प्रोडक्ट ढूंढो। ये मेरा फॉर्मूला है, आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट में पर मिलियन में ट्रैफिक आता है पर फिर भी सेल नहीं आती है प्रोडक्ट डॉग ट्रेनिंग और बेबीज। हाँ ठीक है, तो भाई एक बात बोलना चाहूंगा कि पिंटरेस्ट में मैंने बहुत टाइम पहले बात बताया, जब मेरी पिंटरेस्ट की क्यू एन ए एक वीडियो था उसमें बताया था कि पिंटरेस्ट में इंप्रेशन कितने आ रहे वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने मुझे लगता है कि पिंटरेस्ट में जब भी आपकी इमेजेस दिखती है मतलब आप जब डेस्कटॉप में ओपन करोगे तो बहुत सारी इमेजेस एक साथ दिख जाती है। ठीक है, तो वो इंप्रेशन में काउंट कर लेते हैं, उसमें कोई क्लिक करे या ना करे उनको शो हो जाती है उनके होम फीड पे, वो इंप्रेशन में काउंट होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि आपका एंगेजमेंट कितना है, कमेंट कितनी है, लाइक कितनी है, वेबसाइट क्लिक कितनी है, वही मेन चीज़ है। हमें इंप्रेशन से और ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है, हमने हमारी जो इमेज शो हो रही है वो कितनी टारगेटेड ऑडियंस के पास जा रही है और वो एंगेज हो रहे या नहीं हो रहे। तो वो एंगेज नहीं हो रहे तो कितना भी ट्रैफिक लगा दो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका भले ट्रैफिक बहुत कम हो बट एंगेजमेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक और क्वेश्चन है, अगर एड्स रन किए और सेल नहीं आई तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, कुछ पॉइंट बताइए जिससे सेल आने में।
बात ये तो बिल्कुल सही है भाई। मैं भी बहुत सारी प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ तो कई बार मुझे भी सक्सेस नहीं मिलती है, तो इसका तो कोई फिक्स है नहीं कि इससे सेल आएगी। दो तीन चीजें याद रखोगे जो आप पीपीसी कर रहे हो, लाइक गूगल एड्स और बिंग एड, टारगेटिंग कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से कीवर्ड आप टारगेट करें, जितने ज्यादा बाइंग कीवर्ड डालोगे उतनी ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो कीवर्ड का पूरा गेम है, जो कीवर्ड का गेम आप समझ सकते हो। मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बोल सकता कि यही कीवर्ड है, बट आप खुद एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि आप होते तो इस प्रोडक्ट के लिए क्या सर्च करते। ये थोड़ा ऐसा आंसर दे दिया कि भाई आंसर देना नहीं चाहता, बट एक्चुअली वही है भाई कि आपको कीवर्ड का गेम समझ जाओगे। आप जब मतलब एड्स रन करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आना लगेगा, आपको देख के पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड बिल्कुल सही है। तो जो गेम है वो कीवर्ड की है, आप सही कीवर्ड में जाओगे और कम कॉम्पिटिशन में खेलोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपका निकल जाएगा, ठीक है। कोई बट इसका कोई फिक्स आंसर नहीं मेरे पास। और आप एक एड पर कितना रुपीज स्पेंड करते हो, उसका आंसर आगे यह हो क्वेश्चन में आ गया कि मैं वही सबसे पहले देखता हूँ कि अभी देखिए आपने पूछा है कि कितने रुपीज स्पेंड करते हो, अभी कितने रुपीज, तो भाई उसका तो कोई फिक्स आंसर नहीं है क्योंकि मैं कोई एड्स में 3 लाख 4 लाख भी मैंने स्पेंड किए और कोई एड में मैंने 1000 2000 भी स्पेंड किया है। बट आप ये पूछ रहे हो कि कितना स्पेंड करना चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो मैंने पहले आंसर दे दिया जो प्रोडक्ट की प्राइस है उतना तो एटलीस्ट स्पेंड करो और फिर लगता है पोटेंशियल है तो ही मतलब आगे बढ़ो। और जो आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो और आपको सेल आनी स्टार्ट हो गए, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गए, तो भाई उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट को स्टॉप कर दो। जब तक प्रॉफिट आ रहा है तब तक कंटिन्यू करो। जब लगे कि प्रोडक्ट का ट्रेंडिंग कम हो चुका है, लॉस में जा रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है भाई, मेरा बजट 500 से $600 है, मेरे पास नॉलेज है, मैं बिंग एड्स चालू कर रहा हूँ गूगल। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा प्रीफर करे, बिंग या गूगल। जो भाई मेरे पास ऑप्शन है दो, एक गूगल है और बिंग है, तो मैं सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा गूगल, क्योंकि गूगल के पास ट्रैफिक ज्यादा है, गूगल के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिंग ऐड में बहुत सारी ऑप्शन नहीं है, बट मैं बिंग तब प्रीफर करता हूँ जब कोई कई सारी एड्स ऐसी है जो मैं गूगल में रन करता हूँ जिसकी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, जो डाउटफुल होते हैं। बहुत सारी चीजें है, ठीक है, बहुत सारे लैंडिंग पेज हम गूगल में यूज नहीं कर सकते जो बिंग में यूज कर सकते हैं, तो ऐसी टाइम पे मैं यूज करता हूँ बिंग। बट मेरा पहला ऑप्शन होता है, जो आपके पास दो ऑप्शन है कि आपके पास गूगल एड अकाउंट है और बिंग एड अकाउंट है, तो सबसे पहले प्रीफर करो गूगल एड अकाउंट, सेकंड ऑप्शन में रखो बिंग एड जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया हो या कई सारे प्रोडक्ट ऐसे जो आप एड रन नहीं कर सकते हो गूगल में, तो उस टाइम पे आप बिंग प्रीफर कर सकते हो। बट पहला ऑप्शन रखो गूगल और सेकंड ऑप्शन रखिए बिंग। एक और क्वेश्चन है भाई, अगर ऑर्गेनिक कर रहा हूं तो उसको ऐसा क्यों, क्या करूं कि रोज सेल आए और ऑटोमेशन पे करूं। देखिए भाई, अब एक बड़ी सच बात बोलूंगा यार, ऑर्गेनिक में ऑटोमेशन पे रखना मतलब कोई चीज है नहीं। हाँ, आप वो बोल सकते हो कि कंसिस्टेंसी के साथ मतलब सेल हो वो बात अलग है, बट पूरा का पूरा ऑटोमेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, कर सकते हो, बट मैंने तो नहीं कर पाया हूं, बट आपको रेगुलर काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यार ऑर्गेनिक में हर वक्त ज्यादा है, सिंपल बात है यार, क्योंकि उसमें कोई ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि एक बार काम कर दो कि आपको लाइफ टाइम वो मतलब रिजल्ट मिलता रहेगा। कुछ हाँ ऐसी है लाइक क्योरा है, इसके अलावा आप ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे हो तो उसमें है कि आप कुछ कीवर्ड एक बार रैंक करवा दोगे तो वो आपको 6 महीने 1 साल तक शायद ट्रैफिक दे सकता है। बट मुझे लगता है उस एसईओ में भी बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, तो आर्टिकल वो सब कुछ ठीक है। तो कोई ऐसी मेथड नहीं है कि एक बार काम करने के बाद वो कंटिन्यू ऑटोमेशन पे चलता रहेगा, आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक टॉपिक में काम करो, ज्यादा नहीं 15 मिनट 20 मिनट भी आपका टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऑर्गेनिक टॉपिक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। वेबसाइट और फनल, अभी इसका आंसर दूंगा तो जो इंटेलिजेंट लोग है और जो बहुत बड़े अफिलिएट या जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। भाई मैं कोई फनल नहीं बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मतलब 2021 में मतलब 6 महीने हुए, मैंने मोर देन $30,000 $30, ठीक है, मैंने निकाल लिया है वेबसाइट से, तो वो मैटर नहीं करता है। फनल यूज करना है, वेबसाइट यूज करना है, आपको आपकी ऑडियंस को प्रोडक्ट सेल करनी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वेबसाइट और फनल को मैं इक्वली मानता हूँ, ठीक है। जहाँ लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीज कर रहा हूँ जहाँ रिटारगेटिंग करना है या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ मैं फनल यूज कर सकता हूँ, फेसबुक ऐप्स में शायद यूज करूंगा, बट अभी तक जो मैंने काम किया है उसमें मुझे फनल का कोई लगा नहीं है कि मुझे यूज करना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग में करता नहीं, आप सबको मालूम है, ठीक है। तो मैं
मोस्टली प्रीफर करता हूँ आज के दिन भी वेबसाइट, बट फनल के भी कुछ एडवांटेज है, ठीक है, आप रिटारगेटिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आप उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट मैं प्रीफर करता हूँ वेबसाइट। फनल का मतलब कुछ प्रोडक्ट में कर सकते हो जहाँ आप ईमेल मार्केटिंग वो सब करते हो, बट पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता हूँ यार। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज से इनकम कितना हो सकता है, फॉलोअर है 10,000, नीज है फैक्ट। आपकी नीज कौन सी है और आपके मतलब फॉलोअर कितने वो मैटर नहीं करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने जब, आप मेरे पहला वीडियो देख सकते हो, पहले ही सबसे पहला वीडियो बनाया, दूसरा है पहले वीडियो में, तब मेरे फॉलोअर थे, पहली सेल में ही आई थी इंस्टाग्राम से, और मेरे तब फॉलोअर थे 500 के नीचे थे, इतना मुझे मालूम है, ठीक है। 500 तो फॉलोवर नहीं थे, 500 के आसपास होंगे या 400 300 फॉलोवर होंगे, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 500 मेरे फॉलोवर नहीं थे, तब भी मैंने सेल लाया था। तो फॉलोवर डिपेंड नहीं करता, कितने टारगेटिंग ऑडियंस है और आपकी जो आपका जो पेज है वो पर्टिकुलर कोई निच में हो और वही टारगेटिंग ऑडियंस होगी तो आप 100 फॉलोवर में भी सेल ला सकते हो। तो फॉलोअर नंबर की गया में उसमें ज़्यादा मत जाओ, आप जो भी निश में काम करो उसमें आपका एंगेजमेंट कितना है और ऑडियंस के साथ रिलेशन कितना अच्छा है वो डिपेंड ज़्यादा करता है। तो निश कोई भी हो, निश शायद आपकी फैक्ट्री निश निश है और आप हेल्थ के प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो शायद इतना रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इंटरेस्टेड है। तो पर्टिकुलर निश में ही प्रोडक्ट बनाओ और जो इस निश में प्रोडक्ट बनाते हैं उसी निश में रिलेटेड आप प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्या लो ग्रेविटी प्रोडक्ट गूगल एड से सेल देते? हाँ भाई, 100% देते। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी ग्रेविटी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ 20 ग्रेविटी 30 ग्रेविटी भी होगी तो भी सेल आएगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि एक सिंपल चीज़ है गूगल और बिंग में कि जो कीवर्ड सर्च होते हैं उसकी ही आपको मतलब सर्च होंगे तो ही आपकी सेल आने वाली, ठीक है। वो कीवर्ड ही सर्च नहीं होते तो फिर सेल आने का कोई चांस ही नहीं। मैं रिव्यूअर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल चीज़। तो उसमें सर्चेस होंगे तो ही आएंगे। एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है तो जो वहाँ के वेंडर होते हैं वो न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, मैंने कई एक अफिलिएट से सुना था, ये बात बिल्कुल बट सही भी है, क्योंकि मैंने कई सारे देखे कि जिसमें ग्रेविटी 1 या 2 ग्रेविटी उसके में भी मेरी सेल आई है। तो समझ सकते हो कि भाई ग्रेविटी कम होगी सेल आएगी, बट थोड़ी कम आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी उसमें, बट डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और मेरा तो सबसे पहले, मैंने जितने भी विनिंग प्रोडक्ट अभी तक किए हैं, जब भी प्रोडक्ट नहीं आते तभी मैं उसको ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ, तभी मुझे पता चल जाता है इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है या नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा अर्निंग कर पाता हूँ। तो सबसे पहले नए प्रोडक्ट को टेस्टिंग सबसे पहले कीजिए जो आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो और स्केल करना चाहते हो। तो जेबीजू या वॉरियर प्लस पर वीडियो बनाओ, मैंने कई बार बोला है भाई, मैं जिस चीज़ में काम करता हूँ और जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है वही बात बोलता हूँ, ठीक है। और जेबीजू और वॉरियर प्लस में अभी तक मैंने साइनअप नहीं किया है तो उसे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए सिंपल इंटरनेट पर रिसर्च करके बना दूँ तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, नहीं आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन फ्यूचर देखेंगे जब मैं उसको मतलब काम करना, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ और मेरी निश जो प्रोडक्ट है वो जेबीजू और वॉरियर प्लस में नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं सीपीए नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ, इन फ्यूचर जरूर से देखेंगे और इस पर शायद काम करूँ, रिजल्ट मिले तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ पिंटरेस्ट पे सेल करना इनफ होगा या इंस्टाग्राम पे? मैंने पहले ही आंसर उसका दिया है कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक में काम करो तो पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे काम कभी मत करना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक जो उतने भी मिलते क्यों हो रहा, जितने ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा मतलब आपके पास चांस रहेगा प्रोडक्ट्स सेल होने का। नहीं तो एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहोगे तो यार वो कंसिस्टेंसी के साथ, कई सारे लोग एक ही इंस्टाग्राम पेज से भी $200-300 पर डे निकालते हैं, बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा आपको, मैं कहूँगा भले आपके पास एक अच्छा पेज हो बट दूसरे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए आप ऑप्शन देखते रहिए, ठीक है। ब्लॉगिंग से अफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करें? भाई ब्लॉगिंग करें तो सबसे बेस्ट चीज़ है भाई रिव्यू वाले मतलब आर्टिकल लिखो, उसमें सबसे ज़्यादा सर्चिस होते हैं और उससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है जो SEO जानते हैं और जो ब्लॉगिंग जो करते हो भाई, आप जो एडसेंस की इनकम है ना भाई वो एफिलिएट की बहुत ही ज़्यादा उससे, और जो आप रिव्यूअर्स चलाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्लिकबैंक की प्रोडक्ट हो या जेबीजू वॉरियर प्लस कोई भी आप यूज़ करते हो। सर बिंग एड्स एंड गूगल एड्स में जब लोग फेक क्लिक करते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें? जो भाई बिंग एड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मुझे बिंग एड पसंद नहीं है, उसका एक सिंपल रीज़न है भाई,
फैक बहुत ज़्यादा थी, कोई भी वीपीएन कनेक्ट करके या कोई भी हमारे ऐड पे क्लिक कर सकता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ा भी बिंग में। बट गूगल आप एड्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जहाँ से आप फेक लिंक बचा सकते हो। लाइक आप जब भी जेंडर वाइज में जाओगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, मेल, फीमेल और अननोन। तो जो अननोन वाला है वो अनटिक कर दीजिए। सेकंड है एज वाइज, तो एज वाइज में भी एक अननोन ऑप्शन मिलता है तो अननोन को निकाल दीजिए। अननोन ऑप्शन निकालने के बाद अगर ट्रैफिक कम हो जाएगा बट इनवैलिड क्लिक आने के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। डेफिनेटली ट्राई करो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। पेड में सबसे पहले गूगल एड्स या फेसबुक एड्स कौन सी शुरू करूँ? तो यार फेसबुक या गूगल, मतलब देखिए एक सही बात बोलूँ तो मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने किया है बट मुझे सक्सेस नहीं मिली अफिलिएट मार्केटिंग में। मैंने ट्राई किया, मेरे अकाउंट मोस्टली सस्पेंड हो गए थे, तो मैंने फेसबुक ज़्यादा इतना प्रीफर नहीं किया। पर मैं मानता हूँ गूगल एड्स फेसबुक एड से ज़्यादा ईजी रहेगा जो आप रिव्यूज एड और ब्रांड बिल्डिंग करते हो तो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मतलब स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी बिगिनर है वो इजीली कर सकता है। फेसबुक में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड है ऑप्टिमाइज करना, वो सारी चीज़ें हुए, बट यहाँ बहुत ही टारगेटिंग ऑडियंस आपको, जो आपके परफेक्ट कीवर्ड डालते हो तो बहुत आराम से शेयर ला सकते हो। तो मैं प्रीफर करूँगा गूगल, और फेसबुक आप कर सकते हो जब आपके बड़े लेवल में स्केल करना है और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो डेफिनेटली फेसबुक तो भाई स्केल करने में गूगल को टक्कर बहुत आराम से दे सकता है। तो पहले ट्राई करो, बिगिनर हो तो गूगल, और उसके बाद आपके पास नॉलेज हो, मेंटर अच्छा हो तो डेफिनेटली फेसबुक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ब्रो, हाउ मच बजट इज रिक्वायर्ड इन गूगल एड्स टू गेट सम सेल? देखिए उसका भी कोई फिक्स आंसर नहीं है कि इतने रुपीस डालोगे तो इतनी सेल आएगी, एक कोई ऐसी चीज़ है नहीं मेरे पास। बट मैं मानता हूँ मोर देन 20,000 इतना बजट मिनिमम होना चाहिए। मैं मैक्सिमम नहीं बोला, मैक्सिमम तो आपके पास 1 करोड़ होगी तो भी चलेगा, बट मिनिमम 20,000 का बजट इसलिए चाहिए क्योंकि आप जो प्रोडक्ट ट्राई करोगे इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं कि आपकी सेल हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा बजट होगा तो आप शायद ऐसा हो सकता है कि आपने पहली प्रोडक्ट ट्राई की और आपका बजट खत्म हो गया और आपकी सेल नहीं हुई तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बस आपके पास बजट ज़्यादा होगा तो 2-3 प्रोडक्ट ट्राई करो तो आपको एक मिनिमम प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो मिनिमम 20,000 तो पकड़ के चलो, मिनिमम बोला हो ठीक है, ऐसा भी नहीं 20,000 ही चाहिए, उससे जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप एक कर पाओगे। जो आपके पास 4,000-5,000 बजट है तो प्लीज़ भाई आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो, बट उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हो। जो आपका अलग अच्छा होगा तो शायद उसमें भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सर, आप स्टॉक में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करते हो क्या? प्लीज़ बताओ, और अगर करते हो तो शेयर करो प्लीज़। सबसे पहले यार मैं जो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मेरे एक ओपिनियन है और वो मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। भाई मैं पहले से हाई रिस्क और हाई रिटर्न में मानता हूँ, बिलीव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने गोल्स पहले ही बहुत बड़े हैं। तो मैं इसे छोटे इन्वेस्टमेंट मतलब जो ट्रेडिंग करके बहुत सारे लोग मतलब शेयर मार्केट में करोड़पति बने, बट मुझे वो सही इतना नहीं लग रहा अभी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी मैं जो कर रहा हूँ, जितना भी अर्निंग करता हूँ उसका 90% मैं सिर्फ री इन्वेस्ट करता हूँ पेड एड्स में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। क्योंकि सिंपल एक चीज़ बताऊँ यार, मैं यहाँ पेड एड्स में 100 रुपये डाल के 100 रुपये तो निकाल लेता हूँ, कई बार 50 रुपये निकाल लेता हूँ। तो जितना रिटर्न मुझे एफिलिएट मार्केटिंग देता है इतना रिटर्न मुझे नहीं देता है शेयर मार्केट, नहीं देता है क्रिप्टो। तो मेरा तो अभी यही है कि शेयर मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो सिंपल अपने एफिलिएट की स्किल मतलब डेवलप करने में, नई नई ऐड ट्राई करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, तो मेरा पैसा उसमें ही वेस्ट हो जाता है। और सेकंड चीज़ है कि क्रिप्टो, तो क्रिप्टो में मैं 2017 से हूँ, ठीक है, जब आपको मालूम भी नहीं होगा उससे पहले मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे कॉइन भी पड़े, बट वो 2017 के मैंने लिए हुए, अभी 2021 में मैंने एंट्री ली नहीं। और शायद मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भाई मेरी पहली चॉइस होगी क्रिप्टो, बट ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। आपके पास बजट कम हो, धीरे धीरे अर्निंग आते तो चाहते हो तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा बट जब मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा, जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे। अभी इतना मेरा बजट नहीं है, तो मेरा तो सबसे पहले होता है एफिलिएट में ही इन्वेस्ट करो एंड फिर आएगा क्रिप्टो। मेरा क्रिप्टो में शायद बहुत जल्दी मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट फिर से कर दूंगा। भाई डिवाइस टारगेट या जेंडर में बिट एडजस्ट करने से इम्प्रेशन नहीं आते क्या? नहीं है भाई, इसमें भाई होता क्या है, जब भी आप शायद कोई एज वाइज सेट करते हो, ठीक है, गूगल में लाइक मैंने अगर दिया 35 से 45 तो आपको गूगल वो लिमिटेड ट्रैफिक ही भेजेगा। सेकंड चीज आती है कि उसमें आप बिड कितनी लगाते हो। अभी समझो कि आपने जो एज मतलब सेट कर ली तो पहले से उसमें ट्रैफिक कम है
और उसमें से भी आपने ट्रैफिक कम कर दिया, ठीक है, और उसमें भी आप बिड जो शायद कम लगाओ के तो आपके कंपटीशन वाले ऊपर ही रहेंगे, तो भी आपको शायद वो दिक्कत हो सकती है। जो नैरो टारगेटिंग आपको कब करनी है, जब आपके पास प्रॉपर डेटा हो तो ही करना, नहीं तो हो सके तो जो एज वाइज टारगेटिंग करते हो तो उसमें 80 वाले निकाल लो, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 80 प्लस के जो भी है उन सबको एड्स दिखाओ। जब आपका प्रोडक्ट बहुत ट्रेंडिंग हो और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा हो तभी ज़्यादा एज वाइज और डिवाइस वाइज टारगेटिंग करो। मैं तो ऑलवेज मोबाइल ऑफ ही रखता हूँ, मैं ऑलवेज कंप्यूटर प्रीफर करता हूँ, ठीक है। बट देखिए ट्रैफिक कितना है पहले, सबसे पहले ट्रैफिक आने के बाद ऐसा हो तो फिर आप धीरे धीरे नैरो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इंप्रेशन नहीं आएंगे, हाँ बस अगर टारगेटिंग परफेक्ट नहीं होगा, आपने सीपीसी कम रखी होगी और आपने बहुत नैरो डाउन कर दिया होगा, ट्रैफिक नहीं होगा तो डेफिनेटली ट्रैफिक नहीं आएगा। क्या मोबाइल से ज़्यादा कन्वर्जेशन कंप्यूटर से आते हैं? उसका आंसर भी मैंने बोल ही दिया भाई, मैं प्रीफर करता हूँ ऑलवेज कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में कम क्लिक में ज़्यादा सेल आती है और मोबाइल से भी सेल आती है बट उसमें ज़्यादा क्लिक जाती है, और मैं ब्रांड बिल्डिंग और रिव्यू साइड करता हूँ और उसमें मैं ज़्यादा पैसा डालता हूँ, ठीक है, सीपीसी ज़्यादा होती है तो मैं मोबाइल से रिस्क नहीं लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मोबाइल से सेल आती है बट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो, सीपीसी हाई हो तो मैं मोबाइल प्रीफर नहीं करता हूँ, सीपीसी लो है तभी मैं मोबाइल प्रीफर करता हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि मेरी सबसे ज़्यादा सेल आती है कम क्लिक में कंप्यूटर से। भाई क्या अभी अफिलिएट मार्केटिंग पे इफेक्ट आया है पेंडेमिक की वजह से टायर 1-2 कंट्री में? भाई एक बात बोलना चाहूँगा, आप मुझे जानते हो तो मैंने 2020 से अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट की है जब कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना जब आया तभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और आप सबको पता है मेरी जर्नी, भाई मैं $100 से $10,000 तक कैसे पहुँचाऊँ पर मंथ, तो भाई वो कोरोना में ही हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत पड़ सकता है। बट जो मैं इसमें काम कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल में काम करता था, अभी हेल्थ में काम करता हूँ, उस निश में तो आई थिंक इंक्रीज ही हुआ है, डाउन नहीं हुआ है। और सर एक क्वेश्चन है, क्या कभी अफिलिएट मार्केटिंग सैचुरेटेड हो सकता है? जो भाई मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, जो हो सकता है कि अफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, या मार्केटिंग आप एक बात पूरी दुनिया देखते हो किस पे चलती है, बाइंग और सेलिंग पे। आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाय करते हो, लाइक आपका लैपटॉप, मोबाइल, खाने की चीज़ें, तो बाइंग सेलिंग वाली चीज़ ऑलवेज चलती रहेगी जब तक दुनिया है। मॉडल के नाम चेंज हो सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, व्हाटएवर जो भी, बट सेलिंग वाली चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो मैं मानता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग भी कभी सैचुरेटेड नहीं हो सकता है। हाँ, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी के साथ, जो जिसे चेंज होता है आपको लर्निंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी, बट मैं नहीं मानता हूँ कि इस चीज़ में कभी कम होगी। और सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार सीख गए, क्योंकि हम अफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट ही सेल करें और उसमें आप मास्टर बन गए, भाई अफिलिएट मार्केटिंग कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। सर विच इज़ द बेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग और सीपीए मार्केटिंग? भाई इसमें कोई कंपेरिजन जैसी चीज़ है ही नहीं, भाई दोनों अपनी जगह पर बेस्ट है, दोनों थोड़े मतलब अफिलिएट मार्केटिंग एक मतलब बोल सकते हो और सीपीएम मार्केटिंग एक मॉडल है, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग का, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों में अपॉर्चुनिटी है और दोनों में आप काम कर सकते हो। मैं अफिलिएट मार्केटिंग ही नॉर्मल करता था, अभी मैंने सीपीए स्टार्ट किया है, अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि मैंने कुछ जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया अभी अच्छी जा रही है, बट मैं क्लिक में भी काम कर रहा हूँ और सीपीए में भी काम कर रहा हूँ, बट अभी पूरा फोकस सीपीए पे है क्योंकि सीपीए नया है और उसमें मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझे नई चीज़ें सीखने में बहुत मजा आता है। हाउ मच बजट वी नीड टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग इन पेड? पहले ही बोला कि आपने कुछ 20,000 वाला बजट वाला बात की, भाई कोई फिक्स नहीं है कि कितना बजट चाहिए, बट मिनिमम 20,000 लेके आइए, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो जितना लाओ। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक से अर्निंग करो और वही अर्निंग को पेड एड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि पेड एड्स आप जितना समझते हो उतना ईजी नहीं है, बोलने में ईजी लगता है बट जब करने जाओगे तो आपको पता चलेगा। बजट नहीं है तो प्लीज़ मत ट्राई करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन एफिलिएट मार्केटिंग इवन वी आर गेटिंग रिजल्ट और नॉट? अभी इसका तो मैं आपको क्या आंसर दूं, मैं आपको दो लाइन बोलूं, नेवर गिव अप और वो सब, उसका कोई मतलब नहीं है भाई। अभी कंसिस्टेंट कैसे रहना है भाई, मैं सिंपल एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई आपको चाय पीने के लिए भी पैसे चाहिए और घर पे खाने के लिए पैसे चाहिए, या आपके जो भी ड्रीम्स है वो कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पैसे चाहिए, और हम पैसे कमाने आए हैं तो पैसा ही सबसे बड़ा एक मोटिवेशन है और कंसिस्टेंट बनना ही पड़ेगा भाई, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो आपको कुछ लाइफ में करना है तो भाई एक चीज़ के पीछे लगे रहना पड़ेगा, जो उस चीज़ में आप बिलीव करते हो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, अंकित कर सकता है तो भाई कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं
आप लोगों में से एक हूँ, कोई मैं ज़्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ, और सक्सेस मिली है तो मुझे मिली है, तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। कोई इसके लिए कोई मोटिवेशन क्यों नहीं मेरे पास नहीं होगी, ये वो भाई करना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। सिंपल चीजें, अगर $100 कमा रहे तो उसको और आगे कैसे ले जाए। आप मेरी जर्नी देखी होगी, मैं पहले $100 पर मंथ आसपास निकल रहे थे, ठीक है, उसको लेके मैं $10,000 पर मंथ तक आया हूँ। तो उसका एक सिंपल रीजन, में जो भी अर्निंग करता हूँ उसको री इन्वेस्ट कंटिन्यू करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं भाई, जो भी अर्निंग कर रहे हो उसे एक आईफोन ला दो, ठीक है, इसके अलावा जो $100 अर्निंग की है उसको कोई स्किल पेड एड्स में इन्वेस्ट करो। नहीं है कि आपकी सेल आ जाएगी और बहुत सारी अर्निंग कर लोगे, बट एक यही रास्ता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसको री इन्वेस्ट करते रहो, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट एक दिन आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो आपका क्वेश्चन था उसको आगे कैसे बढ़ाए, बस वही है, कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट जो भी अर्निंग कर रहे हो आज के दिन तो उसको री इन्वेस्ट कर करके आप अपना बजट बढ़ा सकते हो, और उसको पेड एड्स में इन्वेस्टमेंट करो तो ही आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बढ़िया, सुपर फैन यार भाई, एक सिंपल, क्या तुम तुम्हारी स्टोरी शेयर कर सकते हो? और मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, बट ये राइट वीडियो नहीं है, ठीक है, वो मैं करूंगा, बट जब मैं कुछ ऐसी बड़ी चीज़ अचीव कर लूंगा, अभी भी मुझे लगता है बहुत कुछ मुझे बाकी है यार करने को, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा मेरी स्टोरी। और कौन कौन मतलब इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ। मैं अपनी पूरी जर्नी अफिलिएट मार्केटिंग किया उससे पहले की, क्योंकि मैं 2015 से कंटिन्यू एफर्ट लगा रहा था, 2020 में मुझे सक्सेस मिली है। तो ये स्टोरी जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, और अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक भी कर दीजिए। ऑल्सो अभी तुम्हारा टर्नओवर का एक एस्टिमेट बता सकते हो, एस्टिमेट नॉट एग्जैक्ट नंबर। भाई टर्नओवर अभी एक क्या बोलो आपको भाई, जो पहली बात तो मेरा कोई फिक्स नहीं होता कि हर मंथली इतनी अर्निंग होती, कभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल जाती है, अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूँ, और कभी कभी मेरे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं तो अर्निंग भी बहुत कम हो जाती है। तो भी रफली आपको आइडिया देने के लिए मैं आपको यहाँ ऐसा हो तो दिखा दूंगा, ठीक है, इस मंथ की मेरे एक प्लेटफॉर्म की दिखाता हूँ जिसमें अच्छी अर्निंग की है, वो 13 लीड्स। तो आप देख सकते हो मैंने 15 दिन में कुछ $5,000 से भी ज़्यादा अर्निंग कर ली है, तो आपको यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, देख लेना। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना होता होगा, ठीक है, कोई फिक्स आंसर नहीं है इसका, क्योंकि फिक्स है ही नहीं भाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5,000 से $10,000 के बिटवीन रहता है, और जब बहुत खराब टाइम चलता है तो भाई 3,000 डॉलर भी हो जाते हैं, बट एवरेज $5,000 पकड़ के चल सकते हो। और बहुत मतलब ऐसा देखने जाओ कि हाईएस्ट तो $10,000 के आसपास रही थी मेरी। क्वेश्चन है कि सर, आई एम स्टूडेंट इन क्लास 12 एंड आई वॉन्ट टू अर्न मनी, सो वॉट आई टू डू, विच डोंट डिस्टर्ब माई स्टडी प्लीज। देखिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं भी एक स्टूडेंट था, मुझे पता है कि इनफ टाइम मिल जाता है, आप भले कुछ भी बात बोलो बट आपको 1 आवर्स का टाइम मिल जाता है, जो आप ऐसे स्टडी मतलब आप जो गेम खेलते हो, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते हो, या जो भी आप टाइम बिगाड़ते हो उसका जो टाइम है वो इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे कोई स्किल सीखने में। आप अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ई कॉमर्स, जो भी सीखना है कुछ भी सीख सकते हो, और मैं मानता हूँ आपको इनफ टाइम मिल जाएगा, दिन का 1 आवर्स भी निकाल सकते हो, कोई भी स्किल आप सीख सकते हो। आप डेफिनेटली अफिलिएट मार्केटिंग भी 1 आवर्स का टाइम देके डेली आप टाइम इन्वेस्ट करते हो रेगुलर, तो डेफिनेटली आप फंस सकते हो। आपको जब भी हॉलीडेज मिलती है, लाइक छुट्टी मिलती है, लाइक सैटरडे संडे जो भी, उसको भी टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। तो साथ साथ में स्टडी भी आप कर सकते हो, और उसके साथ 1 आवर्स का टाइम जो इन्वेस्ट कर सकते हो, या मैं तो बोलूँ वीकली भी 1 या 2 आवर्स वीकली भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो भी आप डेफिनेटली अच्छी खासी मतलब कोई स्किल सीख सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, जो भी गोल होना चाहिए वो आपका जो 12th है उसमें लगाओ, और जो भी टाइम मिलता है, जो अदर एक्टिविटी में आप टाइम वेस्ट करते हो वो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करो। $100 कैसे कमाए 2 हफ्ते में, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताओ। हाँ भाई, उसके लिए मेरे पास 4 पैकेज अवेलेबल है। सबसे पहले आपको $100 कमाने के लिए एक दिन का पैकेज है, उसमें आप मुझे कोर्स ले सकते हो, जिसमें आप 1,000 का कोर्स है, दूसरा ऑफर है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है भाई जिसमें आप 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन में, 3 दिन में, भाई ठीक है, आप ऐसे वीडियो देखते हो यार 2 घंटे में कैसे $100 कमाए, भाई वो वीडियो के थंबनेल में व्यूज लाने के लिए है, ठीक है,
प्रैक्टिकल चीज नहीं है। आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, पेज डेवलप करना पड़ेगा, पेड एड्स करना पड़ेगा, वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है वो आप पे। आप एक दिन के $1,000 भी कमा सकते हो, $1 भी कमा सकते हो, और पेड एड्स करके आपका $100 घर का खो सकते हो। तो कोई इसकी स्कीम नहीं है भाई मेरे पास अवेलेबल, ठीक है? तो उसके लिए कोई और यूट्यूबर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो जो लाखों करोड़ों कमाने की बातें करते, मेरे पास तो कोई ऐसी स्कीम अवेलेबल नहीं है, होगी तो बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीएसटी के बारे में भी थोड़ा एजुकेशन दे दो, हाउ टू क्लेम इट बैक। भाई देखिए, मैंने बहुत टाइम पहले जो गूगल का शायद वीडियो बनाया था ऐसा कुछ, तब मैंने बताया था कि मैं जीएसटी के लिए अभी काम कर रहा हूँ जो कैसे रिवर्ट करना है। पर एक्चुअली सही में बोलूँ कि अभी जब मेरा पर मंथ $1,000 का जीएसटी जा रहा है, तो अभी मैं अपने सीए से जिसने मुझे बताया था कि भाई हो जाएगा, अभी मैंने उनके पास गया तो मुझे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई, ये है वो है, और उनकी बातों से मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, आप उल्टा कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा, सीधे तरीके से मिलना मुझे नहीं लगता है। किसी को मालूम है डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं भी इतना टेक्निकल नहीं हूँ उस चीज़ में, और मैं अभी भी दूसरे लोग की मतलब अभी एडवाइस ले रहा हूँ, बट आपको कोई श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो लोग भी अभी ऊपर नीचे आंसर दे रहे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, डेफिनेटली जो मुझे रिवर्ट मिलेगा तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा मैं। कितनी सेल के बाद क्लिकबैंक में पर मनी विड्रॉल कर सकते? फर्स्ट टाइम 5 सेल, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। आपका टोटल लॉस कितना है? भाई मेरा लॉस नहीं है, मेरा प्रॉफिट में लॉस होता है। जो भी मैं अर्निंग करता हूँ ऑलवेज प्रॉफिट में तो रहता नहीं, तो मैं भाई मैंने जॉब छोड़ दी है, यूट्यूब से तो मेरे रिचार्ज का बैलेंस होता है, ठीक है, मोबाइल का और कुछ नहीं है, और मेरा कोई अर्निंग सोर्स नहीं, मैं कोर्स सेलिंग या कुछ भी चीज़ नहीं करता हूँ। तो मेरा जो भी अर्निंग है वो अफिलिएट मार्केटिंग का है, और अभी मेरा घर चल रहा है, जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो अफिलिएट के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो ऐसा बोल सकते हो जो मैं प्रॉफिट कमाता हूँ उसमें मैं लॉस करता हूँ नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नहीं तो लॉस तो है। और जो पहले जो कर रहा था वो मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक से करता, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जो अर्निंग करता वो मैं पेड एड्स में डालता था, तो लॉस अभी तक नहीं बोल सकते हो, मैंने जो है कमाया ही है। और डू यू यूजिंग एफबी एड्स फॉर अफिलिएट मार्केटिंग? हाँ, मैंने ट्राई किया था बट बाय को सक्सेस नहीं मिली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कर सकते हो। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो एफबी एड्स से भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि आप ट्राई करो, आपको सक्सेस मिल जाए तो डेफिनेटली, और मैं उसको ट्राई करूंगा और सक्सेस भी करूंगा भाई, ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बट अभी मेरा एक फॉर्मूला मतलब एक चीज मानता हूँ कि जहाँ से प्रॉफिट निकल रहा है सबसे पहले अभी वहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि अपने पास लिमिटेड बजट है भाई। सर प्लीज, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैनिफेस्टेशन का नीस अच्छा रहेगा या पेड क्या है? दोनों नीस अच्छी है, मैंने मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट किया था तो मुझे लगता है वो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट रहेगा, और पेड केयर भी आप कर सकते हो और दोनों साथ में भी कर सकते हो। मैं अभी नीस के लिए कोई ये नहीं बोलूँगा कि आपको वो क्या बोलते सकते हो कि एक जून, चलो छोड़ो इसका मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनिफेस्टेशन पहला रखो और पेड केयर दूसरा रखो, ठीक है? ऑप्शन इन पेड एड्स व्हाट आई प्रीफर, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स? जो बिगिनर हो तो डेफिनेटली गूगल एड्स, और आपके पास बजट हो और प्रॉपर नॉलेज हो तो डेफिनेटली फेसबुक एड्स। तो पहला गूगल, सेकंड फेसबुक। और कितने फॉलोअर होने के बाद इंस्टाग्राम पर सेल्स पिच करना स्टार्ट करें? मैं मानता हूँ एंगेजमेंट होना स्टार्ट हो, भले वो 100 के फॉलोवर हो, मतलब 100 फॉलोवर या 200 फॉलोवर हो, कोई मैटर नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया कि मेरी पहली सेल 500 फॉलोवर थे, उससे नीचे थी तब आ गई थी, तो जब आपको लगे कि आपका एंगेजमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, बट बस सेल ही मत करती रहो, वैल्यू दो। वैल्यू देने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपके पास सेल आने वाली है, तो आपको वैल्यू देने में भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई फिक्स आंसर नहीं कि इतने फॉलोवर के बाद, बट जब लगे कि एंगेजमेंट लाइक कमेंट आनी शुरू हो गई, ऑर्गेनिक ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, या मैं बोलता हूँ 0 फॉलोअर से भी पिच कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया जो मेरा एक्सपीरियंस है और ऑनेस्ट आंसर देने का। तो आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। तो अभी तक आपने जो नए हो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर जो भी आपको नहीं किया वो कर सकते। जो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।